हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इम्यूनिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इट्स इम्यून सिस्टम टू डिफेंड इट फ्रॉम डिजीज एंड पैथोजेंस। मतलब जो एवरी इंडिविजुअल होता है, हर ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज और पैथोजेंस से जो डिफेंस करने की उसकी इम्यून सिस्टम उसमें खुद में ही होता है, ठीक है। जो कि क्या होता है कि दो तरह से डिफेंस करता है डिजीज़ के अगेंस्ट। पहला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सेकंड है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के प्रति इम्यूनिटी होती है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी होती है जो किसी पर्टिकुलर पैथोजेंस के प्रति होती है, जैसे कि हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बीटा बी सेल्स आर इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये सब स्पेसिफिक इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सब क्या होती है कि कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन है उसके प्रति इम्यूनिटी कोज करती है। सेकंड है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है कि योर डिफेंस सिस्टम स्टार्ट विद नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नोन एज इनेट इम्यूनिटी। मतलब आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी से स्टार्ट होता है, जिसको इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मतलब जो बॉडी मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो एवरी डे किसी न किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आता है। तो एवरी डे जो बॉडी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से या फिर डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए जो इम्यूनिटी काम आती है उसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं या फिर इनेट इम्यूनिटी। मैकेनिज्म ऑफ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को तीन स्टेप होते हैं इसमें। फर्स्ट होता है सेकेंड लाइन, सेकेंड होता है सेकेंड लाइन डिफेंस और थर्ड होता है थर्ड लाइन डिफेंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स। तो जो मैकेनिकल और केमिकल्स बैरियर्स होते हैं वो कैसे इम्यूनिटी करते हैं और कैसे रेजिस्टेंस करते हैं इन्फेक्शन के प्रति, वो देखेंगे हम। सेकंड होता है सेकंड लाइन डिफेंस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स होता है और फेगोसाइटोसिस होता है। थर्ड लाइन होता है स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल बैरियर्स दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सभी तरह के जो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं जो कि अपनी स्किन में या फिर स्किन से या फिर आउटर लेयर के थ्रू जो पेनेट्रेट हो के अंदर जाते हैं उनके प्रति बैरियर पैदा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट होता है वो क्या होता है, टारगेट होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर। तो फर्स्ट लाइन में फिजिकल बैरियर कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले स्किन। तो स्किन में सेल्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर केराटीन फील्ड होता है जो कि स्किन को इम्पेनेट्रेबल बनाता है, वाटरप्रूफ बनाता है और किसी टॉक्सिन्स के इंटरप्शन के लिए या फिर कोई मोस्ट इन्वेड्स मतलब जो स्किन के अंदर घुस सकते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, उनसे रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। डेड सेल्स आर शेड एंड रिप्लेस, ठीक है, जो और स्किन की जो डेड सेल्स होती है वो शेड होती है, ठीक है, उनका रिप्लेसमेंट होता है 1 मिलियन एवरी 40 मिनट। तो 1 मिलियन सेल्स होती हैं, एवरी 40 मिनट में शेडिंग होती है और रिप्लेसमेंट होता है नई सेल्स का,
ठीक है, और उनके साथ साथ शेडिंग के साथ साथ में वो माइक्रोब्स को की भी शेडिंग हो जाती है। उसके बाद में म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये इनर सरफेस होता है बॉडी का, ठीक है, तो जैसे कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सब क्या होता है, इनर लाइनिंग्स होती हैं, ये भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। बट म्यूकस मेम्ब्रेन आर मोर वल्नरेबल देन स्किन, ठीक है। हेयर इज द हेयर इन द नोज एक्ट एज एन कोर्स फिल्टर, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो नोज के अंदर हेयर्स होते हैं वो क्वार्ट्स फिल्टर्स की तरह काम करता है, जो कि बैक्टीरिया हो या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो जैसे डस्ट वगैरह हो तो उनको अंदर नहीं जाने देता। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस केमिकल, अब केमिकल्स बैरियर देखते हैं, जैसे कि स्वीट प्रोड्यूस बाय ग्लैंड्स इन द स्किन, ठीक है, तो जो स्किन की ग्लैंड्स होते हैं उनसे स्वीट पसीना प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स को वॉश कर देता है, ठीक है, और उसकी एसिडिटी जो होती है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी स्लो करती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस स्टिकी म्यूकस, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत से माइक्रोब्स को किल करने का काम भी करती है। इसके साथ साथ सलाइवा टीयर्स कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम, उसके साथ साथ सलाइवा और टीयर्स में भी एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल्स करते हैं, ठीक है, उनकी सेल वॉल को रप्चर करते हैं। इसके अलावा ईयर वैक्स जिसको सेरुमन बोलते हैं, ठीक है, उस वो भी ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करता है डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स से। उसके बाद में सेकेंड लाइन डिफेंस, तो सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या होता है कि इफ़ पैथोजन पेनिट्रेट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस के बाद में भी अगर पैथोजन पेनिट्रेट हो जाता है तो क्या होता है, जो सेल्स होती हैं बॉडी की वो उन बैक्टीरियाज को इनहिबिट या फिर डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, ठीक है, मतलब वो जब बॉडी को हार्म करे उससे पहले उनको इनहिबिट या डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जैसे कि देखते हैं फेगोसाइटोसिस और इयोसिनोफिल्स और नेचुरल किलर सेल, मतलब पहला फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो इन पैथोजन्स को इनगल्फ कर लेती हैं और डैमेज टिश्यू को भी इनगल्फ करती हैं और डेड सेल्स को भी इनगल्फ करती हैं, ठीक है, कौन कौन से सेल, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है। उसके बाद में इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स क्या करती है, डिस्चार्ज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, जो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम है उसको उसका डिस्चार्ज करके पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है, टू बिग फोर फेगोसाइट्स, ठीक है, और बाय पैरासाइट वॉर्म, जैसे कि पैरासाइट्स वॉर्म है इन सब को। नेचुरल किलर सेल्स, अब नेचुरल किलर सेल्स होती हैं जो कि सीक आउट एबनॉर्मल सेल्स, जो कि एबनॉर्मल सेल्स को सीक आउट करती हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स को, ठीक है। उसके बाद में है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंसिव प्रोटीन। सेकेंड लाइन डिफेंस में डिफेंसिव प्रोटीन हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, इंटरफेरोन प्रोटीन, जो एक इंटरफेरोन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, ए वायरस एंटर ए सेल, अगर एक वायरस एक एंटर में सेल में एंटर कर जाता है, उसके बाद में जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो इंटरफेरोन, क्योंकि वायरस जब सेल में एंटर हो जाएगा उसके बाद में वो सेल इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो वो इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरोन प्रोड्यूस करेगी, और उसके बाद में इंटरफेरोन जो दूसरी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके साथ में बाइंड होकर बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, ठीक है, कैसे कि वो एंटीवायरल प्रोटीन का प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जो कि वायरस की कॉपीज होने में, मतलब वायरस के मल्टी जो मतलब जो वायरस की ग्रोथ बढ़ती है,
ठीक है, मल्टीप्लाई होता है वायरस, तो उसको प्रिवेंट करती है. और द इंटरफेरन अट्रैक्ट एंड स्टिमुलेट नेचुरल किलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस टू किल सेल्स इन्फेक्टेड विद द वायरस. ठीक है, उसके बाद में है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम. सेकेंड लाइन ही चल रहा है अपना. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, इसमें क्या होता है कि पैथोजन्स होता है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन्स, सेल लाइसिस, पैथोजन्स, पैथोजन का डिस्ट्रक्शन होता है. उसके बाद में फेगोसाइटोसिस होता है, ठीक है, जो कि एनहांस करता है फेगोसाइटोसिस को. उसके बाद में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन स्टिमुलेशन होता है. उसके बाद में कीमोटैक्सिस अट्रैक्ट माइक्रो मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन, सेकेंड लाइन में इन्फ्लामेशन कैसे होता है, वह जब जब बॉडी टिश्यू होता है वो इंजर्ड या डैमेज होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है. तो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कहते होता है कि उस जगह पे पहले रेडनेस होगी, जो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, क्योंकि अगर कहीं पे इंजर्ड या डैमेज हुआ है तो वहाँ वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा. हीट और ब्लड फ्लो, सेकंड होता है हीट, तो अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी उस एरिया का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट वहाँ की बढ़ जाएगी. सेकंड थर्ड होता है स्वेलिंग. उसके बाद में जो हिस्टामिन मेक कैपिलरीज मोर परमिएबल, जो हिस्टामिन रिलीज होगा सेल से वो कैपिलरीज को मोर परमिएबल कर देगा. ठीक है, फोर्थ होता है पेन, तो वहाँ पे पेन कोज होगा. तो पेन क्यों होता है कि पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, किस लिए कि जो एरियाज हैं वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुई है. पेन में क्या होता है, कोजेज पर्सन टू प्रोटेक्ट द एरिया एंड प्रिवेंट एडिशनल इंजरी. तो इसमें क्या होता है कि जो पेन क्यों होता है कि जो जहाँ पे इंजरी या डैमेज पहले हो चुका है तो वहाँ के वहाँ को उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सके और अदर इंजरी ना हो उसके लिए भी प्रिवेंट कर सके. अब होता है थर्ड लाइन डिफेंस. इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम देखते हैं. इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन. द सेल्स मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी constitute an immune system and their collective and coordinative response to the foreign substance. Example, infectious agent is called immune response. इसमें क्या होता है कि जो immunity होती है उसका क्या मतलब होता है, infection से protection करना. ठीक है, तो जो cells और molecules जो होते हैं इम्यूनिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्स और मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या होता है कि जो तो जो सेल्स और मॉलिक्यूल्स जो से जो इम्यूनिटी बनती है और उसके बाद में जो इम्यून सिस्टम होता है वो सब मिलके उनका वो सब मिलके क्या होता है कि जो फॉरेन सब्सटेंस होता है जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह, तो इनसे हमको रजिस्ट करता है, हमको इम्यूनिटी देता है. ठीक है, व्हेन द फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी कैन नॉट प्रिवेंट, अगर पहले वाले दो फर्स्ट लाइन डिफेंस, अगर फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन जो डिफेंस होता है वो अगर बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं कर पाता है, उसके बाद में ये वाला जो थर्ड लाइन है ये डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो इम्यून सिस्टम है ये स्टिमुलेट होता है. ठीक है, जो बॉडी को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन के लिए. इम्यूनिटी रेस्पॉन्स, इम्यूनिटी जनरली कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप, मतलब जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, जो इम्यूनिटी होती है वो दो स्टेप होते हैं उसमें, जिसकी वजह से वो बनती है. पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजन्स एंड फॉरेन मॉलिक्यूल्स, एंड सेकेंड होता है माउंटिंग रिएक्शन अगेंस्ट द पैथोजन. अब होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी.
तो टाइप देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले होता है नेचुरल, सेकंड होता है एक्वायर्ड। तो नेचुरल में तो जो नेचुरली एंटी जो है इम्यूनिटी होती है वो आती है, और एक्वायर्ड में दो इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव में फर्स्ट होता है नेचुरल, एक्वायर्ड एक्टिव, एंड सेकंड होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव। ठीक है, और पैसिव होता है उसमें भी यही होता है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव, एंड सेकंड होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव। तो जो फर्स्ट नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव होता है इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, फॉलोइंग क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, मतलब कोई इन्फेक्शन होने के बाद में या फिर किसी वायरस या बैक्टीरिया की कॉन्टैक्ट में होने के बाद में एक इंडिविजुअल में उसके लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उसको, उस कैटेगरी को अपन नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह है, ये सब एक बार हो जाए तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, बॉडी में, उसको बोलते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव। उसके बाद में सेकंड है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव। ठीक है, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव में क्या होता है कि आर्टिफिशियली हम एंटीजन इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में थ्रू वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के थ्रू हम एंटीजन जो कंटेनिंग प्रिपरेशन जो होती हैं वो हम एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, थर्ड होता है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव। इसमें क्या होता है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव में क्या होता है कि जो ऐसी इम्यूनिटी होती है जो मदर टू फीटस ट्रांसफ़र जो होती है वो आती है इसमें। ठीक है, और फोर्थ होती है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको ही एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि एंटी सीरम वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये इट इज़ रेजिस्टेंस टू डिजीज पोजेसिव बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये रेजिस्टेंस करती है डिजीज़ के प्रति, और जो नेचर किसी इंडिविजुअल को नेचर ही ये इम्यूनिटी देती है, जैसे किसी स्पेसिफिक किसी स्पीसीज या रेसेस में ऐसी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, जो कि किसी सर्टेन डिजीज़ के प्रति प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि एग्जांपल फॉर सम इंडिविजुअल आर मोर रेजिस्टेंट टू सर्टेन इन्फेक्शन देन अदर। ठीक है, जैसे कि कुछ इंडिविजुअल होते हैं वो मोर रेजिस्टेंस होते हैं दूसरों के प्रति किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी को दी जाती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी को नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली जो इंसर्ट होती है ह्यूमन बॉडी में वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। ठीक है, किसी इन्फेक्शन के बाद में। ठीक है, या फिर हम थ्रू किसी एंटी सीरम या एंटीजन या एंटीबॉडी ये सब इंसर्ट करके, या फिर मदर टू फीटस जो इम्यूनिटी हम देते हैं उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये किसी नेचुरल इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आने के बाद में, या फिर किसी एंटीजन के एक्सपोजर आने के बाद में ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है। ठीक है, और इसके बाद में एंटीजन के एक्सपोजर होने के बाद में ये अपने आप ही ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है। सेकंड होता है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है एंटीजन का। ठीक है, बाय द वैक्सीन, जिनको वैक्सीन बोला जाता है। ठीक है, तो उनके बाद में क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है उस एंटीजन के प्रति। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो तरह से दी जाती है। सबसे पहले होता है इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या टॉक्सॉइड।
ठीक है, इसमें क्या होता है बैक्टीरियाज क्या होता है इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिवेटेड होते हैं, और उसके बाद सेकंड होता है किल्ड, किल्ड और लाइव, मतलब इनएक्टिवेटेड होते हैं बैक्टीरिया, मतलब किल्ड भी हो सकते हैं और लाइव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइव में मतलब पूरी तरह से वो लाइव नहीं होते, एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको इंसर्ट, जिनको वैक्सीन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, तो इसमें क्या होता है ये नेचुरली ट्रांसफ़र होती है एंटीबॉडीज मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा या फिर ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो जो कि इम्यूनिटी जो न्यूबॉर्न में क्या होती है, ये इम्यूनिटी कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक ये इम्यूनिटी जो होती है वो प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो और फीटस में तो मदर टू फीटस डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में होता है फोर्थ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि जो एंटी सेरा होता है, मतलब इसमें एंटीबॉडीज दी जाती है, ठीक है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है एंटीबॉडीज ही, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स से वो एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, ठीक है, जो कि उनके सीरम में प्रेजेंट होती है, और उसके बाद में क्या होता है कि उसको जो ह्यूमन बॉडी है उसके सीरम में एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, जिनको कि सीरम या सेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इम्यूनिटी, थैंक यू।